का समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों की ओर से जिस युवक को शूटर बताकर मीडिया के सामने पेश किया गया था, उसने पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हरियाणा के सोनीपत निवासी इस युवक ने कहा कि वह 19 जनवरी को दिल्ली में अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था, लेकिन दिल्ली में पैदल घुसते वक्त ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर उसकी पिटाई कर दी थी। संबंधित युवक, जिसकी पहचान योगेश के रूप में हुई है, उसने पूछताछ में बताया कि उसे अगवा करने वाले लोगों ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा था कि वे लोग जो कहे वही मीडिया के सामने उसे कहना पड़ेगा। इसके बाद योगेश ने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कहा था कि उसे दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की रैली पर फायरिंग करने के लिए भेजा गया था। हालांकि अब योगेश ने कहा कि ऐसा कहने के लिए उसे उन प्रदर्शनकारियों ने ही कहा था जो उसे अगवा कर ले गए थे। पहले आप भी देखिए यह दोनों वीडियो, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगेश ने क्या कहा और बाद में योगेश ने क्या खुलासा किया। दो जगह हथियार दिए हैं, एक एक माखन भोग के पास और दूसरा हो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। ठीक है, इसमें और 14 प्राण, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को बोलेगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे, जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को स्टेज पे जो चार लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, चार लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, आई थाने का एसएचओ है, वो आई थाने का कौन है, थाने का क्या है? हां जी, प्रदीप कौन है? प्रदीप थाने में है, वही रही थाने का क्या नाम पूछो, राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो कौन कौन थे सर? उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। कि दारू पिला के फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ उप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना, मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह ऐसे होगा, 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो चार लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है, अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने।
कहाँ का है लड़का वो? वो लड़का सर यूपी का है वो। तुम कैसे जानते उसको? सर मैं जानता नहीं, जब उसके बगल में मुझे बांध रखा था तब उसने बताया कि मैं तो बाहर से आया हूँ भाई। अच्छा। मैं भी किसान हूँ। और एक गंजे को और पकड़ रखा था उसने, वो टिकरी बॉर्डर पे था वो अंजन पे, तो यहाँ पे आया था बॉर्डर पे, तो उसके पास 28,000 रुपए कैश और काफी सारी जैकेट्स पाई थी। वो कौन सा मंदिर है, मुल्काना कोई मंदिर है, वहां से लेके आया था वो। उसने हमें ये बताया कि मैं तो किसान हूँ। उसने मेरे को डेढ़ आकर मतलब जमीन के बारे में बताया कि हम इतने हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फोन ट्रैकिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे को बुलाया गया है। एक लड़का चंडीगढ़ से स्पेशल आया था, वो सीबीआई का लड़का था। उन्होंने बोला कि हम तो देख, हम सारे लड़के जो पुलिस में है, हम तुझे मार भी देंगे, यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जैसे हम कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने मेरी अलग अलग वीडियो भी बनाई है। पर वीडियो में आपने देखा होगा कि योगेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगवा करने वाले लोगों ने उसे कैंप में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और रात को उसे शराब भी पिलाई। उसने दावा करते हुए कहा कि उसके साथ कुछ और युवक भी पकड़े गए थे। बता दें कि योगेश को ही किसान संगठनों ने गुरुवार को मीडिया के सामने पेश किया था और कहा था कि उसे किसानों की ट्रैक्टर रैली पर फायरिंग करने के लिए दिल्ली में भेजा गया था। इसके बाद योगेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उसे राय थाने के एसएचओ की ओर से ऐसा करने के लिए कहा गया था। हालांकि राय थाने के पुलिस अधिकारियों ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगेश ने मीडिया के सामने जिस प्रदीप नाम के शख्स को राय थाने का एसएचओ बताते हुए तमाम दावे किए हैं, उस नाम का कोई शख्स थाने में तैनात ही नहीं है। अब इन दोनों वीडियो को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिर युवक का चेहरा क्यों ढका गया था? क्यों युवक को पुलिस के हवाले नहीं किया गया था? क्यों किसी जांच एजेंसी या सरकारी नुमाइंदे को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई? वीडियो से यही लगता है कि यह एक साजिश के तहत की गई कार्रवाई है, जिसमें कहीं ना कहीं आंदोलन के दौरान कोई घटना घटित करवाकर इसका आरोप सरकार या पुलिस प्रशासन पर लगाने की मंशा जाहिर होती है। समाचार एक्सप्रेस ने अपने चैनल के माध्यम से यह पहले भी कई बार आगाह कर चुका है कि यह आंदोलन विदेशी फंडिंग और राजनीतिक षड्यंत्र के दम पर हो रहा है, जिसकी पुष्टि इन दोनों वीडियो के द्वारा हो रही है। हम पहले भी बता चुके हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ ऐसी साजिशें रची जा रही हैं जिससे किसान, सरकार व देश की जनता प्रभावित हो रही है। अब सरकार को यह देखना होगा कि करीब 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन किसके षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंडली बॉर्डर पर संदिग्ध युवक के पकड़े जाने पर कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद पूरा मामला सामने आ जाएगा। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि इस मामले में मंशा सही नहीं लगती, जांच के बाद संदिग्ध युवक की मंशा सामने आएगी। बराला ने कहा कि 26 जनवरी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वह ठीक नहीं लग रही है, अब इसकी जांच सरकार को करवाने की जरूरत है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.